सो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं जापान का जो सेमीफाइनल T20 लीग चल रहा है। अभी दो मैच है। फर्स्ट मैच जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो चैनल पे, हमारे आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियो की। और जो सेकंड मैच है वो इस वीडियो पे कवर किया जाएगा। दोनों सेम टाइम पे है और दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जो स्टैट्स हैं हमारे पास अवेलेबल है, फुल एक भी प्लेयर ऐसा नहीं मिलेंगे जिनको स्टैट्स नहीं है। सो कहीं ना कहीं इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं फेडी वर्सेस राइजिंग स्टार्स के बीच में जो मैच होने वाला है। एक्चुअली जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक टीम आपको प्रोवाइड की जाएगी, फेडी फ्लॉयस टोक्यो एंड साथ में राइजिंग स्टार्स, इन दोनों के बीच में ये गेम है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर, सबको न्यू प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि फाइनल टीम के लिए ज़रूर उस टाइम पे ऑनलाइन रहना। तो चलिए देखते हैं कि इस मैच के लिए कौन कौन सा प्लेयर जो कि आपके लिए बेस्ट है। तो पहले दोस्तों हम बात करेंगे राइजिंग स्टार्स जो कि सेमीफाइनलिस्ट रहा है जापान T20 लीग की। काफ़ी अच्छी बैटिंग ऑर्डर है इनके पास, सानी जो कि इनके लिए ओपनिंग करते हैं, एवरेज बैटिंग कर लेते हैं, ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जो कि आपको 34 मैच पे 587 रन इन्होंने बनाए हैं अभी तक क्लब T20 में। उनके साथ दोस्तों रकीबुल हसन बैटिंग ऑलराउंडर है, 11 मैच पे 199 रन 6 विकेट। सो कहीं ना कहीं आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे एज अ पार्ट टाइम बॉलर, और साथ में आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। ठीक है, पांच डाउन दोस्तों इनके लिए एसी चौधरी जो कि ज़्यादातर टाइम बैटिंग करते हैं और काफ़ी अच्छे ऑप्शन है जो कि आपके लिए आप फायर ऑप्शन मान सकते हो, यानी सेफ टीम पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। सो दोस्तों एसी चौधरी, रकीबुल हसन, ये दोनों कैप्टन ऑप्शन रहेंगे इस टीम से, और जो कि दोनों ऑलराउंडर है। 50 मैच पे 708 रन 38 विकेट्स एसी चौधरी ने लिया है। उसके बाद दोस्तों विकेट कीपर पावर हिटर बैट्समैन सैयद जो कि 48 मैच पे 816 रन बनाए हैं अभी तक। कभी कभी इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पे हो सकता है कि सैयद का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे आ जाए और उनसे पहले मोहम्मद आलमगीर जो कि पहले बैटिंग करने आ सकता है, जो कि एक ऑलराउंडर है, अभी तक 23 मैच पे 229 रन 14 विकेट्स उन्होंने लिया है दोस्तों। उसके बाद मोहम्मद राहुल कबीर जो कि मिडिल ऑर्डर पावर हिटर बैट्समैन है, और साथ में आपको पूरा ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, अभी तक 17 मैच पे 179 रन 11 विकेट्स उन्होंने लिया है। उसके बाद दोस्तों अलम जो कि ऑलराउंडर है, ज़्यादातर टाइम इनका अगर हम बात करें तो बॉलिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, 17 मैच पे 221 रन 16 विकेट्स इन्होंने लिया है दोस्तों। उसके बाद अरमान की बात किया जाए तो बॉलिंग बहुत अच्छे कर लेते हैं, इस टीम की वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। ग्रैंड लीग में आप अरमान को ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हो एज ए वाइस कैप्टन और कैप्टन फॉर ग्रैंड लीग। 20 मैच में 23 विकेट्स अभी तक क्लब T20 में लिया है। उसके बाद दोस्तों महीबुल हसन काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, यहाँ पे महीबुल हसन की अगर हम बात करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी 28 मैच पे 430 विकेट्स उन्होंने लिया है। काजी मुराद जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है, 52 मैच पे 553 रन 9 विकेट्स लिया है। नीचे का जो प्लेयर है इन्होंने लास्ट मैच खेले नहीं है, उस स्थिति में आप देख सकते हो काजी मुराद है, निमाउल सैयद, इस्लाम मोहम्मद, उसके बाद यहाँ पे आसिफ है जो कि ओमर फारूकी है, और यहाँ पे रॉबिन है। ये सारे प्लेयर्स वैसे हैं जो कि लास्ट मैच नहीं खेले। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो फायर ऑप्शन आप देख रहे हैं उनको आप अपनी टीम पे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करना, जो आप ग्रीन टिक देख रहे हो उनको आप अपने सेफ पिक हिसाब से ट्राई कर सकते हो, और जो आप ब्लू टिक देख रहे हो उनको पिक करना थोड़ा सा रिस्की होंगे, इसीलिए आप अपने ग्रैंड लीग में ही उनको ट्राई करते हो बेटर रहेगा। बात करेंगे दोस्तों हम ओपोनेंट की, ओपोनेंट का टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ओपोनेंट का जो टीम है, आसिक हुसैन है जो कि ओपनिंग करते हैं इस टीम के लिए, विकेट कीपर बैट्समैन है, काफ़ी अच्छे बैटिंग कर लेते हैं, 29 मैच पे 557 रन। उसके साथ दोस्तों ओपनिंग में बैटिंग आते हैं ख्वाजा सलमान जो कि ओपनिंग करते हैं, पावर हिटर बैट्समैन है, और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सलमान जो है इस टीम पे पार्ट टाइम बॉलिंग के रूप में आपको थोड़ा बहुत बॉलिंग पे देख सकते हैं, बैटिंग अच्छे कर लेते हैं, 17 मैच पे 510 रन की इनिंग्स बनाई है, आप चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो। प्रशांत काले बैटिंग ऑलराउंडर है, कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं, 63 मैच पे 1100 रन बनाए हैं इन्होंने, और साथ में 13 विकेट्स भी लिए हैं। जाहिदुल्ला इस टीम के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा है, 4 मैच खेले 103 रन बनाए हैं 6 विकेट्स लिए, बैटिंग में कभी भी इनको प्रमोट किया जाता है क्योंकि पावर हिटर बैट्समैन है, और साथ में अगर बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी करी है। मोहम्मद आदिल है, समटाइम ओपन करते हैं, 22 मैच पे 406 रन 1 विकेट्स इनको मिला है दोस्तों। वसीम जावेद जो कि फर्स्ट राउंड बैटिंग कभी कभी कर लेते हैं,
पावर हिटर बैट्समैन है, 11 मैच पे 269 रन, 3 विकेट्स इन्होंने इनको मिला है। पंकज विकेट कीपर है, 3 मैच पे 20 रन बना है। तनवीर यूनिस जो कि एक मैच खेले हैं अभी तक, वनडे मैच वो भी, और 3 विकेट्स मिले हैं। खान अब्दुल 3 मैच पे 2 विकेट्स मिले हैं। सैफुर रहमान की परफॉर्मेंस मुझे मिली नहीं है। सोहेब हसन 2 मैच पे 3 विकेट्स। जोहिल खान 2 मैच पे 4 विकेट। मोहम्मद यूनिस 2 मैच पे 8 रन बनाए हैं। हमजा मलिक जो कि 3 मैच पे 2 विकेट्स लिए दोस्तों। अब्दुल रहमान जो कि एक मैच पे कोई भी मतलब इनको बैटिंग बॉलिंग मिली नहीं है। सो कहीं ना कहीं इस टीम से जो पावर ऑप्शन है वो एक सलमान जाहिदुल्ला ये और साथ में जोहिल खान, ये 3 ऑप्शन जो कि पावर ऑप्शन बनाए मैंने। अगर आप ग्रैंडली खेलते हो तो प्रशांत काले को भी ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हो बैटिंग ऑलराउंडर, ठीक है। सो दोस्तों चलिए देखते हैं कि टीम क्या होना चाहिए और यहाँ पे हमारा टीम आपके लिए रेडी है। विकेट कीपिंग ऑप्शन के लिए 2 ऑप्शन है, हुसैन या फिर सोहान, इनमें से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से हुसैन का सिलेक्शन हुसैन जो है काफ़ी बेटर ऑप्शन रहने वाले दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रीव्यू दिखाना चाहूँगा आपको। सो ये हमारा टीम है, एक प्लेयर अभी भी लेना है दोस्तों, वो हम डिसाइड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे अलम है चौधरी, साथ में कबीर को रखा है मैंने, अरमान को पिक किया है, तो ये 4 बॉलिंग ऑप्शन ऑलरेडी है। और साथ में ओपनिंग में रकीबुल हसन भी काफ़ी अच्छे बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं, तो 5 बॉलिंग ऑप्शन आप देख रहे हो इस टीम से है। ओपोनेंट की बात किया जाए, मलिक है, जोहिल खान, जोहिब खान, सलमान, 4 बॉलिंग कर लेते हैं। सो कहीं ना कहीं जो आपका लास्ट पिक होगा वो या तो फिर आप यहाँ पे ऑलराउंडर आलमगीर या फिर जब्बर के साथ जा सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा मतलब यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे प्रशांत काले को पिक करते हो। सो कहीं ना कहीं काले जो है ना पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, प्रशांत टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। सो ये ऑप्शन हो सकता है कि हमारे लिए बेटर हो सकता है। सो फाइनल पिक जो भी होंगे वो डिपेंड ऑन द टॉस एंड लाइनअप। सो कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ भी चेंजेस हो सकता है, और इसके लिए फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे होना बहुत ज़रूरी है भाई, टेलीग्राम चैनल पे होना बहुत ज़रूरी है। कैप्टन वाइस कैप्टन एसी चौधरी के साथ जहीबुल्ला, बाकी सलमान एक अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, नाम मुझे थोड़ा सा चेक करना है, रकीबुल हसन। सो ये एक ऑप्शन है, 4 ऑप्शन रहेंगे, रकीबुल, जहीबुल्ला, सलमान, एसी चौधरी, 4 में से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं।